जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता ने आज पलवल के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में हरियाणा प्रदेश पलवल जिले को टॉप 3 में लाने के लिए अथक प्रयास किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से सूखे कूड़े का निष्पादन किया जाएगा। जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि घरों से उठाए गए सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग अलग किया जाएगा। गीले कूड़े को प्रोसेस करके खाद बनाई जाएगी जो खेतों में खाद के तौर पर प्रयोग में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पलवल में अभी 22 वार्डों में ही डोर टू डोर कूड़े का उठान हो रहा है। शीघ्र ही सभी 31 वार्डों में यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पलवल के सभी वार्डों से डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए एजेंसी हायर करने की मंजूरी के लिए विभाग के अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। विभाग के पास मंजूरी मिलने के बाद टेंडर छोड़ दिया जाएगा। जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि पलवल शहर को प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ व सुंदर बनाया जाएगा। पलवल शहर में बरसाती पानी व नालियों के गंदे पानी की निकासी के लिए भी अमृत योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत अभी तक 40% कार्य किया गया जबकि 60% कार्य करना अभी बाकी है। अमृत योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों में गति लाई जाएगी। इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी भी अधिकारी ने इस कार्य में लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पलवल नगर परिषद में पहले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा। शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो शहरी क्षेत्रों के लिए है, इसकी रैंकिंग हरियाणा की देखें तो काफ़ी खराब है। उसको सुधारने का कार्य दिया गया है। हमारा ये स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, जिसके अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे किया जाता है, उसकी रैंकिंग आप सबके पास अवेलेबल है और पलवल की स्थिति काफ़ी ख़राब है जैसा कि आपने बताया। तो उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसके अंदर मतलब ये है कि जो आपका कूड़ा है जब वो घरों से या दुकानों से उठ रहा है तो वहीं पे वेस्ट सेग्रीगेशन, मतलब वेस्ट का उसको अलग अलग करना, ड्राई वेस्ट जो सूखा कूड़ा है उसको अलग उठाना है, जो गीला कूड़ा है उसको अलग उठाना है, जो गीला कूड़ा है उसको प्रोसेस करके खाद बनाई जाती है जो कि खेती में काम आएगी, और जो आपका सूखा कूड़ा है उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगता है जिसके अंदर उसको प्रोसेस किया जाता है। अभी जो मैंने अपने ज्वाइनिंग के एक हफ्ते में यहाँ पर देख लिया है वो मुझे ये समझ आ गया है कि यहाँ पे ये कार्य नहीं हो रहा है। एक टेंडर दिया गया है जो कि स्टॉक गैप अरेंजमेंट है 2 महीने के लिए, जिसमें वो कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं डोर टू डोर, लेकिन वो भी सिर्फ 22 वार्डों में हो रहा है 31 में से, जबकि होना चाहिए सारे 31 वार्ड में क्योंकि पूरे शहर का एक साथ होना चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि एक नया डोर टू डोर का हम एजेंसी, क्योंकि ये पालिका के बस की या परिषद के बस की खुद से काम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से नहीं होता, इसमें मैन और मशीनरी एक्सपर्टीज वाली चाहिए होती है। तो यूजली अगर आप देखें कहीं भी जो है वो एक एजेंसी के तहत कराया जाता है। तो एक टेंडर जो है वो यहाँ से बना के स्वीकृति के लिए हेडक्वार्टर्स यानी कि डायरेक्टरेट ऑफिस भेजा गया है। तो मैं आज इनफैक्ट आपकी ब्रीफिंग के बाद मेरा वही उद्देश्य था कि उसको मैं एक बार खुद भी पर्सनली पूरा देख के और फिर वहाँ से स्पीड अप कराऊंगी ताकि डोर टू डोर कलेक्शन यहाँ जल्द से जल्द चालू हो टेंडर लगा के, और उसको वेस्ट का जो है प्रोसेसिंग भी हो, आगे खाद भी फार्मर्स के काम आए और शहर थोड़ा साफ नजर आए क्योंकि अभी तो गंदगी काफ़ी है।